नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सिस बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां पे निफ्टी के टॉप लूजर्स में ये स्टॉक शामिल है और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक न्यूज़ है, वो है यहाँ पे होती हुई आज की ब्लॉक डील। तो आज यहाँ पे एक बड़ी ब्लॉक डील है जो होती हुई दिखाई दी, लगभग 38.99 मिलियन शेयर जो है यहाँ पे, लगभग 1.2% टोटल इक्विटी जो है बैंक की, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक डील के जरिए हाथ चेंज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस कारण से थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। अगर न्यूज़ को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें तो आज सुबह यहाँ पे एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी, जहाँ पे 1.2% हिस्सा जो है इक्विटी का, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे, जिस कारण से यहाँ पे आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। और जिन्होंने यहाँ पे अपना हिस्सा बेचा है उसका नाम है बेन कैपिटल, जिन्होंने यहाँ पे अपना पोर्शन था, स्टेक जो थी इस कंपनी में, वो यहाँ पे होल्ड ऑफ करते हुए दिखाई दिए, निकालते हुए दिखाई दिए। और जो फ्लोर प्राइस था इस स्टॉक में वो रखा गया था 888 रुपये पर शेयर का, जो कि कल की क्लोजिंग से अगर हम देख रहे हैं मंडे की, 2% डिस्काउंट पे था। और उसके बाद एक बड़ी सप्लाई आती हुई दिखाई दी, जिसके कारण स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करें बेन कैपिटल की, तो इस कंपनी में लगभग लगभग एक्सिस बैंक में 4.24% स्टेक होल्ड करता है, जिसमें से 1.2% के आसपास का हिस्सा आज यहाँ पे निकाल दिया गया है उनके। अगर बात करें स्टॉक प्राइस के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं 3% से ज़्यादा की बड़ी गिरावट जो है आज स्टॉक प्राइस में यहाँ देखने मिली। 877 के आसपास स्टॉक कामकाज कर रहा है 3.2% की गिरावट के साथ। आज की ओपनिंग यहाँ थी 904 रुपये की, और 904 रुपये का इसका हाई है, ओपन हाई है, और उसके से लगातार स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है। 869 का लो इसने लगाया था इंट्राडे में, 4% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। निचले लेवल से कुछ रिकवरी यहाँ देखने को डेफिनेटली मिली, लेकिन वॉल्यूम जो है वो आज के दिन बहुत ही ज़ोरदार होते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस कारण से यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं इस स्टॉक के, तो आप यहाँ चार्ट पे देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार अपमूव जो है यहाँ पे निचले लेवल से स्टॉक में देखने को मिला था। जिस तरीके से सेप्टेम्बर में करेक्शन आया था और अक्टूबर ये स्टॉक के लिए बहुत ही शानदार रहा, लगभग 710-715 के लेवल थे सेप्टेम्बर के लो के, और उसके बाद इस स्टॉक ने 920 रुपये तक का ही लगाया था। जैसे इसके नतीजे आए थे बहुत ही शानदार नतीजे थे, एक बड़ी गैप अप हुई थी और लगभग 9% स्टॉक जो था इंट्राडे में उछलता हुआ दिखाई देता। लेकिन इसी कारण से अगर आप इसको जूम करके देखेंगे, तो नतीजों के कारण यहाँ पे एक बड़ा गैप जो था चार्ट पे बनता हुआ दिखाई दिया था, जिस गैप की रेंज अगर हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं 855 रुपये अप साइड में और लोअर साइड में 832 रुपये। और आज ये स्टॉक पिछले 4-5 दिन से एक रेंज में कंसोलिडेट किया था 900 से 920 रुपये के, और आज यहाँ पे एक गिरावट आती हुई दिखाई दी 877 के आसपास। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज इसके लिए ये होगी कि 850-855 की रेंज में, और ये गैप अगर ये स्टॉक फिल करने के लिए आता है तो कहीं ना कहीं एक बार आपको 830-835 के आसपास इस स्टॉक में एंट्री लेने का अच्छा मौका मिल सकता है। और अगर वो मौका मिलता है तो डेफिनेटली उसको आपको यूज़ करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि अगर ये गैप फिल होता है ये स्टॉक में, तो डेफिनेटली अच्छा होगा आगे के लिए। कि अगर स्टॉक फिर इन फ्यूचर कभी गैप फिल करने ना आए, अगर यही गैप फिल हो जाता है तो आपको फिर यहां से एक रिबाउंड देखने मिल सकता है, और एक बड़ी तेजी जो है उसमें हो चुकी है तो थोड़ा सा करेक्शन भी कहीं ना कहीं बनता है, तो वो न्यूज के दम पे हो या किसी प्रॉफिट बुकिंग के दम पे, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है अच्छे मोमेंटम में चलता हुआ दिख रहा है, आज गिरावट भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ी और गिरावट अगर होती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स के लिए। 920 रुपये का अगर लेवल ये स्टॉक निकालेगा तो डेफिनेटली फिर ये स्टॉक आपको 4 डिजिट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा बहुत ही जल्द। अब देखना होगा वो लेवल कब तक आते हैं, तो होप करिए कि यहाँ पे आपको अच्छे लेवल्स ऊपर की तरफ आगे चल के देखने को मिले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो करें चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।